वन पीस का 1000 चैप्टर अब फाइनली आ चुका है और इसी के साथ एंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। तो यार अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो फिर RVS के चैनल पे हमारा एक कोलैब वीडियो आया है, जाके ज़रूर देखना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाके बंदे को सपोर्ट दिखाओ और यार वो वीडियो देखो। तो यार चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग सोच रहे थे कि चैप्टर 1000 में कुछ बहुत ही बड़ा रिवील होने वाला है और मुझे लग रहा था कि चैप्टर 1000 में चैप्टर 1 का रेवलेंस रहेगा, पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। पर तब भी व्हाई दिस चैप्टर इज सो डैम गुड, इसका आंसर है कि चैप्टर 1000 तुम्हें एक्साइटमेंट से भर देगा, क्योंकि हाँ यार इसका जो एंडिंग था वो बहुत ही एपिक था। खैर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वन पीस के एंडिंग के बारे में, क्योंकि हाँ अब पॉसिबली 3 से 4 आर्क ही बचे हैं। और अभी एक काफी बड़ी न्यूज मिली थी, ओडा ने ये रिवील कर दिया कि अगले साल हमें सैंक्स देखने को मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ओडा ऐसे ही फालतू में इतनी बड़ी चीज रिवील नहीं करेंगे। सोया नेक्स्ट आर्क सैंक्स का हो सकता है, पर उसके बाद क्या? अब मेरे ख्याल से यहाँ पायरेट किंग सागा का स्टोरी बिल्ड होगा और अभी तो हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर ड्रैगन से भी मिलना है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी सैंक्स के बारे में है। और हाँ नेक्स्ट आर्क एक रेस्क्यू आर्क भी हो सकता है हैनकॉक या वीवी को बचाने के लिए, क्योंकि हाँ अभी वो लोग थोड़े मुश्किल में हैं। अब बात करते हैं वानो के बारे में, क्या लूफी काइडो को हराएगा? हाँ क्यों नहीं, पर वो अकेले तो नहीं हराने वाला है, ये तो पक्का हो गया है। चैप्टर 1000 में तो यार बिल्कुल वन पीस स्टैम्पीड वाला सीन हो गया है, बस फर्क इतना है कि वहाँ सिर्फ एक ही विलन था और यहाँ दो हैं। अब देखना है कि वो लोग इस चीज से कैसे निपटते हैं। एनीवे ये फाइट अब तक का बेस्ट फाइट होने वाला है वन पीस में। अब बात करते हैं बाउंटी के बारे में, तो यार देखो यहाँ पे लूफी का बाउंटी प्रोबेबली 3 बिलियन बेरी होना चाहिए। उसका पहला बाउंटी भी 3 से स्टार्ट होता था जो कि था 30 मिलियन बेरीज, तो उसका रेफरेंस देने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे उसका बाउंटी 3 बिलियन बेरी हो। और यार बात करें जोरो के बारे में, तो यार उसका मेरे ख्याल से 2 बिलियन बेरीज होना चाहिए और सांजी का 1.5। और यार बाकी के मेंबर के बारे में अभी मैं गेस नहीं करने वाला, क्योंकि उनका सही में बहुत ही मुश्किल है। अब अगर बात करें वर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो यार इनका बाउंटी अभी फ़िलहाल 300 या 500 मिलियन बेरीज है, तो इससे बढ़कर इनका बाउंटी हो जाना चाहिए 1 बिलियन या फिर 1.5। अब तुम लोग बोलोगे कि बिग मॉम और काइडो का बाउंटी 4 बिलियन से भी ऊपर है, तो फिर इनका इतना कम क्यों? जिसका आंसर है कि वो लोग फ़िलहाल अभी इनके ऊपर टीम अप कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि आगे जाकर उनका इंडिविजुअल फाइट देखने को ज़रूर मिलेगा, पर यार जो बाहर के लोग हैं उनको तो यही लग रहा है कि वानो में फाइट चल रहा है और वो लोग मिलकर इनसे फाइट कर रहे हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वानो में कोई न्यूज़ रिपोर्टर देखने को नहीं मिला है अब तक। अब यार तुम्हें तो पता ही होगा कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो लोग सब चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होल केक आइलैंड आर्क, यहाँ पे सारा प्लानिंग बेजी करता है और लूफी बस तबाही मचाता है, पर यार यहाँ पे जो मॉर्गन्स था वो लिख देता है कि लूफी ही मास्टरमाइंड था, उसी ने ये प्लानिंग किया था, उसी ने इस चीज़ को अंजाम दिया था और वही इस चीज़ का लीडर था, जिसकी वजह से यार उसका बाउंटी 1.5 बिलियन बेरीज बढ़ जाता है। पर यार अभी वानो में फ़िलहाल हमें कोई न्यूज़ रिपोर्टर देखने को नहीं मिला है जो कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बता पाए। मेरे ख्याल से अभी हमें एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो कि सब चीज़ को बदल सकती है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिला है। हाँ भले ही इस बार खतरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर यार ये चीज़ बाकी सारे आर्क से थोड़ा सा सिमिलर है। मैं यहाँ पर मेजर 3 आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, पंकाजार्ड, एलाबेस्टा और यार ड्रेसरोजा। यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग प्लानिंग तो करते हैं पर यार प्लानिंग का लास्ट में जाकर बैंड बज जाता है, जिसके बाद यार यही गोल रहता है कि हमें बस मेन विलन को हराना है। और यार यहाँ पे वही सेम चीज़ हमें होता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि ये आर्क ओडा बहुत ही पहले से बिल्ड कर रहे थे, तो यार इसका ऐसा एंडिंग तो नहीं होना चाहिए, और वैसे भी ओडा क्या करने वाले हैं इसके बारे में जानना यार बहुत ही मुश्किल होता है। सोया मुझे माफ़ करना, ये वीडियो काफ़ी छोटी है, जिसका कारण है कि मैं दूसरे वीडियोज़ पर काम कर रहा था। खैर यार नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 9 बजे तक आ जाएगी। तो यार इस वीडियो से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला, बट हाँ RVS के साथ हमारा जो कोलैब वीडियो आया है उसको जाके ज़रूर देखना। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय।